संत भाई जी श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार की पावन तपोभूमि गीता वाटिका प्रांगण में आयोजित 9 दिवसीय श्री राम कथा का शुक्रवार को समापन हो गया। कथा के अंतिम दिन जोधपुर से पधारे कथा व्यास गोवत्स श्री राधा कृष्ण जी महाराज ने कथा सुनाते हुए कहा कि जब लंका प्रस्थान करने के लिए वानर सेना अति उत्साहित हो रही थी, तब प्रस्थान करने से पहले श्री राम ने शिवलिंग की स्थापना व आराधना की। छत्रपति शिवाजी महाराज जब किसी युद्ध पर विजय प्राप्त करते थे तो महिषासुर मर्दिनी तुलजा भवानी की आराधना करते थे और सैनिकों से भी आराधना करवाते थे ताकि अति उत्साह के कारण किसी सैनिक की मति बिगड़ ना जाए। अति उत्साह नशे जैसा होता है और उससे मति बिगड़ने की संभावना रहती है। हमारे जीवन में जब भी अति उत्साह का अवसर उपस्थित हो तो हमें भी अपने इसकी आराधना अवश्य करनी चाहिए। इस मौके पर कथा का रसपान करने के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु उपस्थित रहे। कहने सुनने से आपकी मेरी किसी की भी पूर्ति नहीं हुई, हो भी नहीं सकती। हरि अनंत तो हरि कथा अनंत, लेकिन फिर भी हम सब लोग एक प्रसंग के माध्यम से सत्संग लाभ प्राप्त करते हैं और भगवान के गुणों को सुन सुन करके कोशिश करते हैं हमारा उनके चरणों में प्रेम पड़े। कथा का हेतु और कुछ नहीं, प्रेम बढ़े भगवान के चरणों में, यही हेतु होता है। और आप लोग समर्पित भाव से सुनकर के अपने उस हेतु में सफल भी होते हैं। हमी को आप भेंट पूजा करके और झूठा साबित कर देते हैं कि आप सब तो कथा भगवान का प्रेम पाने के लिए सुन रहे हैं। प्रेम की बात एक अलग है, वो ठीक है, लेकिन एक बात प्रेम के लिए ही कहना सुनना है और कोई दूसरा हेतु रहना। राम ही केवल प्रेम पिया, जान ले जो जान। कृपानाथ सारी सेना समुद्र के किनारे जमा हो गए, सब इकट्ठे हो गए समुद्र के किनारे, और समुद्र के किनारे इकट्ठे होकर सब लोग सरकार की अनुमति चाहते हैं आगे कैसे काम किया जाए। उत्साह सब में इतना है कि अभी समुद्र को लांग करके लंका पे चढ़ जाएंगे, न जाने क्या चक्कर डालेंगे। लेकिन राम जी ने एक चीज देखी, क्या देखी भैया, कि सब भरपूर उत्साह में है, इतने उत्साह में है कि बस इतने जोश में है सब कि न जाने अभी क्या कर डालेंगे। राम जी को लगा कि रावण तक मेरा नंबर आने ही नहीं देंगे, कि पहले ही जाकर के एक जना रावण को कोई उसका सिर तोड़ेगा, कोई उसका हाथ तोड़ेगा, सब ये मेरे से पहले पहुंच के निपटा दे। और उत्साह में जोश में कहीं इनकी मति लुप्त ना हो जाए। ये बात बोलता हूं आपको, जरा आप बुरा मत मानिएगा, उसकी उसको पकड़ने की कोशिश करिएगा। उत्साह भी जब जरूरत से ज्यादा हो जाता है ना, तो वो व्यसन की जैसा हो जाता है। बात आई समझ? उत्साह जोश वो भी जब जरूरत से ज्यादा हो जाता है तो वो नशे के जैसा हो जाता है, उसमें आदमी एकदम बोरा भी जाता है। और कई बार जोश में अति उत्साह में जो नहीं करने जैसा वो कर बैठता, जैसे नशे की हालत में व्यक्ति को पता नहीं रहता क्या करना क्या नहीं करना, ऐसा अति उत्साह अति जोश कई बार व्यसन जैसी स्थिति व्यसनी जैसी दशा बना देता। और व्यसनी जैसी दशा में व्यक्ति की मति बिगड़ जाए तो और नुकसान हो जाता है।
छत्रपति शिवाजी महाराज, भगवान राम जी, रामचंद्र के बाद राजा के रूप में जो सर्वाधिक लोकप्रिय हुए वो छत्रपति शिवाजी महाराज। भगवान राम के बाद किसी ऐसे व्यक्तित्व को पूरे देश ने राजा के रूप में आदर दिया तो ऐसे छत्रपति शिवाजी महाराज थे। मैं उनको बहुत प्रेम करता हूं, मुझे उनका चरित्र बहुत अच्छा लगता है। प्रसंग आ गया तो मैं एक दो बात उनकी कहूंगा आपसे। भिवंडी पर चढ़ाई करी छत्रपति शिवाजी महाराज ने, मुंबई के पास भिवंडी, आपने नाम सुना, संपन्न क्षेत्र था, बहुत धन से भरा हुआ क्षेत्र था वो भिवंडी, और बादशाह का एक खास दीवान वहां पर नियुक्त था। चढ़ाई करी, जीत लिया भिवंडी को श्री छत्रपति शिवाजी महाराज ने। शिवाजी महाराज के जो कुछ सैनिक थे, दरबारी थे, वो उस वहां के दीवान की बहू थी, पुत्रवधु, जो अत्यंत सुंदर थी। ऐसा कहते हैं इतनी सुंदर थी कि वो जल कुछ शरबत पीती थी तो उसके गले में उतरता हुआ नजर आता था। ऐसी सुकोमल और अत्यंत रूपवान वो थी। उसको पकड़ लाए वो लोग, उसे पकड़ लाए और ला करके शिवाजी महाराज के सामने खड़ा कर दिया। अब वो थर थर कांप रही है वो स्त्री कि मेरे पति, मेरे ससुर और मेरे तरफ के लोगों ने इनकी बहु बेटियों के साथ न जाने क्या क्या अत्याचार व्यभिचार किया है, अब मेरे साथ यहाँ न जाने क्या हाल हो। थर थर कांपने लगी। उधर उसके बंदी बने हुए, उसका पति, उसका ससुर, सब यूं यूं हिल रहे कि अब न जाने हमारी उस बेगम के साथ क्या होगा। सैनिकों ने कहा, महाराज इसे आप अपने रनिवास की शोभा बनाइए, ले जाइए आप इसे, ये हम आपके लिए लाए उपहार स्वरूप। शिवाजी महाराज भीतर से दुखी हुए कि ये मेरे लोगों क्या हो गए। शिवाजी महाराज आगे बढ़े और आगे बढ़कर बड़े, अब वो स्त्री सोची कि न जाने अब मेरे साथ क्या व्यवहार होगा, क्या स्वरूप होगा। लेकिन शिवाजी महाराज आगे बढ़े। भाइयों, खासकर जवान भाइयों, सुनो, आप असली हीरो की कहानी सुना रहा हूं। खाली सिनेमा में रुपया रुपयों के लिए नाटक दिखाते हैं, ऐसे हीरो की नहीं जो रियल हीरो है। शिवाजी महाराज आगे बढ़े। शिवाजी महाराज ने उस स्त्री का मुंह तक नहीं देखा, उसके चरण देखे, और चरण देख करके शिवाजी महाराज बोले, असी जो आमुची आई असती बदले छत्रपति, तामी ही सुंदर झालो असतो बदले छत्रपति। शिवाजी महाराज ने कहा, काश ऐसी मेरी माँ होती थी तो मैं भी इतना सुंदर होता। उस स्त्री की आंखों से आंसू बहने लगे। शिवाजी महाराज ने साड़ी और वो पीस और हल्दी, सुपारी, पान का पत्ता, ये सब दे करके और उसको विदा किया कि जाओ इसको इसके पति के पास पहुंचा कर। मेरे भाई बहन, नोक पर तो सब जीतते थे, शिवाजी महाराज ने अपने स्वभाव से भिवंडी को जीत लिया।